Hello student, welcome back to our channel. As I discussed in the previous video, that in this video we are going to discuss the necessary conditions for the Euclid division lemma, and along with that we are also going to discuss the common error which we usually do in while applying the Euclid division lemma. So chaliye aaj usi ke upar discuss karte hain, aaj ka video shuru karte hain. So yahan pe samajh mein aa gaya ki ye relation kis tarike se derive karna hai. Ab कई बच्चों के मन में एक डाउट आ सकता है कि क्या मैं इस रिलेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल 15 एंड द सेकंड, द फर्स्ट नंबर इज 15 एंड द सेकंड नंबर लेट्स टेक सपोज 4. अब 15 है और 4 है. अब अगर मुझे पता है तो इसका करेक्ट जो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन होगा 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3. 4 थ्री इज आर 12, डिवाइड करेंगे जब 4 थ्री इज आर 12 प्लस 3. बट कोई बच्चे हो सकते कि सर मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना है, मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना है, मैं कुछ अलग तरीका ट्राई करना चाहता हूं, अलग तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता हूं रिलेशन को. तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 7, बिकॉज ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहां पे. 4 टू सा 8, 8 प्लस 7 इज 15, RHS इज 15, LHS इज 15. कई बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि सर हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 1 प्लस 11, ये भी सही है. 4 1 सा 4 प्लस 11 15. कई बच्चे होंगे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, वो लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 4 सा 16 माइनस 1. कई बच्चे होंगे इसके अंदर में वो दिमाग लगा सकते हैं कि 4 4 5 सा 20 माइनस 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो अगर ये कंडीशन ऐसी है तो हर बच्चा एवरीवन कैन एक्सप्रेस दिस टू नंबर इन टू डिफरेंट रिलेशनशिप, अलग अलग रिलेशन के थ्रू इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे वो लोग. और अगर हर बच्चा या हर आदमी अलग अलग रिलेशन से किसी भी दो नंबर को एक्सप्रेस अगर करता है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. So, Euclid ने क्या किया, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सभी के रिलेशन के अंदर में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसके लिए क्या कर दिया Euclid ने, जो हमारे Q और R है, मतलब जो हमारा quotient है और जो remainder है उसके ऊपर में constraint डाल दिए. अब constraint किस तरीके से डाले वो थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, वो मैंने यहां कंडीशन में लिखा हुआ है, क्योंकि यहां तक की चीजें तो क्लियर हो गई हमारी. अभी नीचे मैंने जो दो लाइन लिखी, अब इसका इंपॉर्टेंस यहां पे आता है कि यहां पे कंडीशन क्या दी हुई है. यहां पे Q and R are the positive integer, मतलब Q और R कैसे होने चाहिए, हमेशा positive integer होने चाहिए, positive value ही होनी चाहिए. positive value होनी चाहिए in the sense कैसे होनी चाहिए, कभी negative नहीं आ सकते. जैसे कि अगर हम ध्यान से देखेंगे ये last के जो दो option है, यहाँ पे Q positive है, लेकिन अगर हम R की value को देखेंगे तो R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे यहाँ माइनस वन है, यहाँ माइनस टू है, मतलब R यहाँ पे नेगेटिव हो गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा ये दो रिलेशनशिप जो है वो दोनों की दोनों गलत है, ये दोनों की दोनों रिलेशन गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे R जो है वो नेगेटिव हो रहा है. Q और R हमेशा कैसे इंटीजर्स होने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए. और दूसरी कंडीशन जो दी हुई है वो यहां पे ये कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन जो है वो R के ऊपर दी है. कंडीशन क्या दिया हुआ है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R इज लेस देन इक्वल्स टू B. इसका मतलब क्या होता है कि R की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए. अब 0 से बड़ी होनी चाहिए इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव होनी चाहिए. और R की वैल्यू जो है वो B से हमेशा छोटी ही होनी चाहिए. B B मतलब ये हमारा जो डिवाइजर है, रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटी ही होनी चाहिए. अब ये एग्जांपल को देखते हैं, यहां पे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है. अब यहां पे हमारे बी की वैल्यू है 4 और आर की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे 7 आ रही है. इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे आर जो है वो बी से बड़ा है, मतलब ये रिलेशन भी क्या हो गया हमारे लिए, गलत रिलेशन हो गया. दूसरा एग्जांपल देखेंगे, यहां पे बी की वैल्यू है 4, R की वैल्यू है 11, सो हियर ऑल्सो द R इज ग्रेटर देन B, सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो फॉल्स. मतलब अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो यहां पे Q की वैल्यू है 3,
r की वैल्यू है 3, मतलब द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू वेयर q एंड r आर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द सेकंड कंडीशन यहाँ पे q का वैल्यू है, यहाँ पे b का वैल्यू जो है वो है 4 और r का वैल्यू जो है वो है 3, मतलब r की वैल्यू जो है वो b से छोटी ही है। मतलब ये जो रिलेशन है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज ओनली करेक्ट। सो एक बार और देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं इन चीजों को, एक बार फिर से वापस एग्जांपल देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, लेकिन q और r की कंडीशन क्या दी हुई है, q एंड r आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब q जो है हमारा, मतलब जो सेकंड वैल्यू है वो भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और जो थर्ड वैल्यू है वो भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव वाले केसेस नहीं चलेंगे। और r के लिए क्या कंडीशन दी हुई है कि द वैल्यू ऑफ r मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू b, मतलब r की जो वैल्यू है वो b से छोटी होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं मैं यहां पे, थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे कि यही दो नंबर ले लेते हैं हम लोग 15 एंड 4। सो कई होगा, कई लोग बोल सकते हैं सर व्हेन वी डिवाइड 15 बाय 4 आई कैन डिवाइड 4 3 12, द रिमाइंडर इज 3, देन डेसिमल 0, 4 8 7 28, रिमाइंडर इज 2, डेसिमल का 0, 4 5 20, रिमाइंडर इज 0। तो क्लियर, मैं इस डिवीजन क्या एक्सप्रेस कर सकता हूं, 15 इज इक्वल्स टू 4 into 3.5 प्लस 0। So this is my A, this is my B, this is my Q, this is my R. So the first condition को देख लेते हैं, A and B are the two positive integers. So A and B यहाँ पे positive है, Q and R are positive. So Q is positive, R is also positive. But if this expression is also a wrong expression because यहाँ पे जो condition दी है, Q and R are the positive integer. मतलब वैल्यू जो है वो इंटीजर ही होनी चाहिए, इंटीजर इन द सेंस इट शुड बी अ कंप्लीट नंबर, हम उसको डेसिमल में डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें डिवीजन को वहीं रोक देना पड़ेगा जहां पर हमारा रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से छोटा आता है, ना तो हम उसके पहले डिवीजन को रोक सकते हैं ना तो उसके बाद में डिवीजन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब किसी भी डिवीजन को करना है हमें, सपोज 15 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 3 12, रिमाइंडर इज 3, सो इन दिस केस यहां पर q इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, r इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, a इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, b इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर एंड हियर द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन b, तो ये b से छोटा आ गया क्योंकि b की वैल्यू है 4 और r की वैल्यू है यहां पे 3, तो हमें डिवीजन को यही रोकना पड़ेगा और इसी के थ्रू रिलेशन लिखा जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 3। सो दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन a एंड b विच इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो आई होप आई हैव क्लियर ईच एंड एवरी डाउट रिगार्डिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊं। So that's it for the today's video guys. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।